बाय 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 बाय, हो गया वापस। बड़ा रूड है ये तो भाई, थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमें जहाँ गाड़ी हैंड ओवर होनी थी गाड़ी नहीं आई क्योंकि जो ड्राइवर भाई है अपनी आज की लोकेशन तो सब भाई इसके कुछ बी रोल्स ले रहे हैं, तो विनय जो है इस पे बैठा हुआ है, ये ऊबर की राइड मंगाई हुई है। लो भाई अब ये खाएगा अपना डिनर, करेगा फिर इसको बाहर घुमाने ले जाएंगे। हेलो भाई, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं और विनय जा रहे हैं भाई नोएडा। नोएडा किस लिए जा रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। विनय आ रहा है मुझे लेने अभी फिलहाल, तब तक अपन मिलते हैं ओस्कर से। ओस्कर बाबू, ओस्कर, ओस्कर क्या कर रहे है, क्या कर रहा है तू? चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय बोल दो। बाय ऐसे चाट के नहीं, नहीं दूर से, दूर से बाय। अच्छा ठीक है, अच्छा बाय 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 बच्ची, बाय बच्ची, बाय बुक्की, बाय बाय, चलो बाय 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 बाय, हो गया वापस। बड़ा रूड है ये तो। बाय भाई, विनय आ गया था और अब विनय और मैं जा रहे हैं आगे नोएडा। और नोएडा किस लिए जा रहे हैं बता देता हूँ। सो नोएडा जा रहे हैं भाई, एक मीडिया ड्राइव है आज नई, अभी ग्रैंड आइटन न्यूज़ जो लॉन्च हुई थी ना हुंडई की, उसकी ड्राइव है आज, तो उसकी ड्राइव के लिए जा रहे हैं। सो नोएडा जाना है हमें, बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास कोई है, और अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं मुरथल, और बस यहाँ से लगेंगे लगभग सवा घंटा, डेढ़ घंटा, सवा घंटा लगेगा यहाँ से हमें पहुँचने में। भाई थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमें जहाँ गाड़ी हैंड ओवर होनी थी गाड़ी ही नहीं आई क्योंकि जो ड्राइवर था वो फरीदाबाद से गाड़ी लेके आनी थी और वो लेट हो गया थोड़ा, तो अब हम गए जा रहे हैं भाई अपनी शूट लोकेशन पे, तो वो वहीं गाड़ी लेके आ जाएगा। और शूट लोकेशन नोएडा में ऋषभ भाई ने मदद करी, ऋषभ भाई है ना द कार गाइड वाले, उन्होंने फिर भेजी एक लोकेशन और वहाँ पर अब जा रहे हैं, वहाँ पर वो शूट वगैरह करते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, तो अभी देख रहे हैं वहाँ जाके और वहीं शूट करेंगे और वहीं अपनी गाड़ी आ जाएगी, और जो भी एक दो वीडियो बनानी है वहीं कर लेंगे अपना, बाकी देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ खा रहे हैं यार, कुछ भूख लगी थी तो यहाँ से कुछ चाइनीज़ लिया है। ये आ गया भाई अपना चिली पनीर और एक अपना चिली गार्लिक नूडल आ जाएगा अभी, तो बस वो खा के और फिर अपनी शूट लोकेशन की तरफ चलेंगे। गाड़ी वाले को अभी लगेगा थोड़ा टाइम, तो मैं कहता हूँ तो कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। विनय आ जाएगा भाई, ये है अपनी आज की लोकेशन, तो इधर से भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, देखते हैं वो कितनी देर में आ जाता है बंदा लेके गाड़ी, ड्राइवर उसी की वेट कर रहे हैं बस अब, और यहाँ बनाएंगे वीडियो। हाँ ये चला लेगा गाड़ी है ना। सो भाई अपनी गाड़ी आ गई है, ये आ गई है अपनी कार, इसका करना है आज शूट, और ये है नई वाली ग्रैंड आइटन न्यूज एस्टा। सो भाई इसके कुछ बी रोल्स ले रहे हैं, तो विनय जो है इस पे बैठा हुआ है, ये ऊबर की राइड मंगाई हुई है और ऊबर की राइड से अपन बना रहे हैं अपने बी रोल। तो नोएडा में अभी शूट चल रहा है इसका, ग्रैंड आइटन न्यूज का, न्यू वाली का, और ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है, जो भी सोर्सेज मिल जाए, चीज़ें मिल जाए उनका यूज़ करके। फ़ौरन मांगे ये भाई, कुछ जगह तो ऐसे रोड हैं इंडिया में भी, ऐसा लगता है जैसे भाई ज़बरदस्त कहीं बाहर आ गए हैं, सही लगता है ना। अभी KMP में एंट्री कर रहे हैं हम गाजियाबाद वाले रास्ते से, नोएडा वाले रास्ते से, और हमारा जो शूट था भाई वो पूरा हो गया था, गाड़ी वापस हैंड ओवर करके हम वापस निकल गए टाइम से ही, और फास्ट टैग लगा दें पहले ना एंट्री करने दो। सो भाई अब हम मुरथल पहुँच गए हैं, और जहाँ हम हमेशा रुकते हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, छोटा मोटा सैंडविच वैंडविच खा लेते हैं, क्योंकि 11:30 बजे खाया था वो जो चाइनीज़ खाया था ना 11:30 बजे, और अब बज चुके हैं शाम के 5:30 हो गए हैं, तब से कुछ नहीं खाया, अब खाएंगे। लो भाई अपने फ्रेंड्स कैफे पे सैंडविच और चाय पी लिए, अब चलते हैं अपने घर करनाल। अब यहाँ से लगेगा अपने को लगभग लगभग 1.5 घंटा 1.25 घंटा। मैडम जी कनेक्टेड भाई, ये डैश कैम है, ये बोलता है ये ना, अब ये बोलेगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ऐसा कुछ है। और ये जरूरी हो गया आजकल ना लगाना, क्योंकि दुनिया ना सर होने को फिर रही है। एक मिनट सीट बेल्ट लगा लूँ मैं।
बोला ना रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ऐसे तो भाई जैसे ही आप सुखदेव ढाबा क्रॉस करते हो ना तो ये है, ये फ्रेंड्स कैफे। तो यहाँ पे अच्छा है, मतलब खाने पीने का भी, चाय वाय भी, कॉफी भी। अब चलते हैं अपने घर। तो भाई वापस घर आ गया हूँ, अब देखते हैं ऑस्कर बाबू कहाँ है। हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दूसरा डॉगी कहाँ है? दूसरा डॉगी सबा हुई, बस बैठ जा, बैठ जाओ, सेट सेट ऑस्कर। नहीं अभी नहीं, रुको मेरे को सामान रखने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ, आ जा, कम 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 कम, बस बैठ, बस 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 बस, अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बस बस बाय, बस नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक, बस गुड बाय गुड बाय गुड बाय। हेलो भाई, अब ये खाएगा अपना डिनर करेगा, फिर इसको बाहर घुमाने ले जाएंगे। अब भाई इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है, लेकिन अब इसने खाना खा लिया है तो अब ये मेरे को बाहर ले जाने के लिए बोल रहा है बार बार, ऐसे करता रहेगा। अच्छा ठीक है, चल चल, अच्छा चल तो चल, चलो 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 चल 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 चलेंगे चल चलो। सो भाई अब ऑस्कर को बाहर घुमा दिया, आज हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही इधर की, बस वहाँ सामने सारी काम कर रही हैं, कंप्लेंट डाल दी है, देखो कब तक ठीक होएगी। और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इनको तो साफ दिखता है, देखो आँखें कैसी हो जाती हैं, दिखाइयो आँखें, दिखाइयो आँखें, दिखाइयो ऊई। तो भाई इनकी आँखें पता नहीं, मतलब इनको रात को साफ दिखाई देता है, सब बोलते हैं, पता नहीं इसने तो नहीं बताया हमें। हाँ भाई तुझे साफ दिखाई देता है सब्रांत? तुझे सब्रांत को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, चश्मे लगे हुए हैं, बाकी ऑस्कर को दिखता है। चलो अंदर चलो अब,